पर्यावरण दिवस के मौके पर झारखंड के धनबाद कोयलांचल में जगह जगह वृक्षारोपण एवं पेड़ वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक ओर जहां धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पार्षद प्रियंका देवी के हाथों लोगों को पेड़ वितरण किया गया, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय वृक्ष महासम्मेलन के द्वारा पार्क मार्केट स्थित वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वहीं पार्षद प्रियंका देवी ने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष पर हम लोग धनबाद जिला जो है वृक्ष महासभा सम्मेलन के ओर से ये नेहरू चिल्ड्रन पार्क जो है हीरापुर वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं और लोगों का यह संदेश देने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि सब जगह जो है धरती को हरित बनावें ताकि पर्यावरण को हमें बचाना है। ओजोन लेयर हमारा जो है वह उसमें छिद्र हो रहा है, वह जो है डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है, जिसके वजह से जो है प्रकृति का जो नियम है बरसात का या बादल फटने का या कई प्रकार की जो है अन्य प्राकृतिक कुरीतियां जो हमारे सामने आए हैं जो प्राकृतिक आपदा के रूप में हमें जनजीवन को तहस नहस हो रहा है, उसे बचाने के लिए हम युवाओं से मैं अपील करता हूं, बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं वृक्ष महासभा की ओर से कि आएं और पर्यावरण अपने धरती को बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी खनन कंपनी पेड़ काट रही लेकिन नहीं पेड़ लगाने रही है, आगे जाके हम लोगों को पानी या खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, लोग पानी या खाना बिना मर जाएंगे क्योंकि मानसून टाइम पर नहीं आएगी। हम लोग के भारत देश में कम से कम 80% किसान, वो किसान अनाज उपजाते हैं और हम सभी शहरवासियों के पास पहुंचते हैं। अगर मानसून सही टाइम पर नहीं आएगी तो कहाँ से अनाज मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो नियम पारित करें कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, कर्मचारी, वो साल में कम से कम 5 पौधा जरूर लगाएं।